हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एम्प्लॉय और मैनेजर की जो लास्ट टाइम क्वेरी हमने सॉल्व की थी उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर ए से लेकर एस तक डेटा दिया हुआ है और उसकी मैनेजर आईडी दी हुई है। लास्ट टाइम हमने ये सॉल्व किया था कि इस टेबल से हमको एम्प्लॉय का नेम और उसका मैनेजर कौन है उसका डेटा हमें निकालना था। तो ये जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई गई है कि ए सबसे एकदम हायर लेवल पर है, उसको रिपोर्ट करते हैं बी और सी, बी को रिपोर्ट करते हैं डी ई एफ, जी रिपोर्ट करता है सी को, एच करता है डी को। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना वन और नल, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी, मतलब ए वाले की एम्प्लॉय आईडी वन है जो किसी को रिपोर्ट नहीं करता है, बी वाले की दो है जो एक को रिपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है। तो जो हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार हमने क्या किया था, इन दोनों टेबल को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो हमने सेम टेबल की दो कॉपी बनाई थी, इसका नाम हमने रखा था ई एम पी, इसका रखा था एम जी आर। ठीक है, हम ये मान रहे थे कि ये टेबल रिप्रेजेंट करती है मैनेजर को, इसमें है एम्प्लॉय का डेटा। ठीक है, तो अब हमको ज्वाइन करना था, ज्वाइन के लिए हमने यूज़ किया था इनर ज्वाइन कि एम्प्लॉय वाले की मैनेजर आईडी और मैनेजर वाले की जब एम्प्लॉय आईडी बराबर होगी तो हमें डेटा निकाल कर दे देना, जिसका कि हमको मिल गया था। लेकिन आपने जब क्वेरी एग्जीक्यूट की होगी तो उसमें देखा होगा कि एम्प्लॉय वाली टेबल का एक मैनेजर आईडी नल है, तो इसका डेटा हमको नहीं मिलेगा, मतलब जो प्रेसिडेंट लेवल पर है या जो एमडी लेवल पर है उसका नाम उस क्वेरी के अंदर नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ क्यों। देखो, हमने सेल्फ ज्वाइन लगाया, हमारी कंडीशन क्या थी, ये हमारी थी क्वेरी लास्ट टाइम वाली, ये वाली क्वेरी ऊपर वाली है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। तो इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन हमने लगाया एम्प्लॉय वाले का मैनेजर आईडी और मैनेजर वाले का एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये जो है इस टेबल के अंदर, अरे सॉरी इसको मत ध्यान रखना, ये वाला गलती से लिखा गया था ये। ठीक है, तो इसमें हमको दोनों को टेबल लगाया था कि एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी, मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी बराबर है, मतलब कि इनर ज्वाइन में हमको मिला था ये बीच वाला पोर्शन, मतलब कि इंटरसेक्शन वाला। लेकिन एक बात बताइए, एम्प्लॉय वाले के अंदर एक ऐसी एंट्री प्रेजेंट है जिसकी मैनेजर आईडी नल है। ठीक है, लेकिन मैनेजर के टेबल के अंदर ऐसी कोई एंट्री भी है ही नहीं जिसकी एम्प्लॉय आईडी ना लो, तो वो हमको मिलेगा नहीं क्योंकि वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर। समझ गए? तो अब हमें अगर वो डेटा निकालना है तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि लेफ्ट में हमारी एम्प्लॉय टेबल है और वो डेटा एम्प्लॉय टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर कहीं पर आप ऐसी क्वेरी लगा रहे हो जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाने के बाद वो डेटा सिर्फ मैनेजर वाले में एग्जिस्ट करता है मगर एम्प्लॉय वाले में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ रहे हो? तो उस केस में लगेगा हमारा राइट ज्वाइन। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट और राइट ज्वाइन का, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, लेफ्ट मैंने क्यों लगाया? क्योंकि वो डेटा, वो एक एम्प्लॉय है जो मैनेजर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ एम्प्लॉय वाले में एग्जिस्ट करता है जिसकी मैनेजर आईडी नल है। समझ में आ गई है? तो इसके लिए जो क्वेरी लगाएंगे वो सबसे सिंपल है, हम इनर ज्वाइन की जगह पर लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय मैनेजर ऑन एम्प्लॉय मैनेजर आई डी इक्वल टू मैनेजर डॉट ई आई डी। तो इस तरीके से हमको दो सारा डेटा मिल जाएगा, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक। तो इसमें क्या होगा ना, जब आप ए वाले का डेटा निकालोगे ना तो ए वाले के साथ में नल वही आएगी मैनेजर आई डी, कोई ये नहीं आएगा कि वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उस कॉलम की वैल्यू जो होगी वो नल ही होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद मेरी ये समझाई हुई वीडियो आपको समझ आई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।